ओके, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस सेशन में हमने ये चैप्टर की थियरी डिस्कस की थी। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, सैम्पलिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, हमने ऑलरेडी क्या है डिस्कस किया था कि सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि जो अननोवन यूनिवर्स है उसके बारे में इन्फर यानी अंदाजा लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंडम सैंपल ड्रोवन फ्रॉम इट। इट मीन्स यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ओके, और ऑप्शन ए में क्या गड़बड़ है भाई, एनी सैंपल नहीं चलेगा। ओके, और नोन यूनिवर्स है वो भी नहीं चलेगा। तो अननोवन यूनिवर्स और सैंपल जो है ना ड्रोवन फ्रॉम इट होना चाहिए, उसी पॉपुलेशन से सैंपल आना चाहिए, एनी सैंपल नहीं चलता है। देन डिस्कस हुआ था लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहती है कि भाई आप है ना जितना बड़ा सैंपल साइज रखोगे तो ऑन एन एवरेज आपको वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखो कि जितनी लार्ज सैंपल साइज होगी उतना ही आपका जो सैंपल है वो पोजेस करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज। ये ऑन एन एवरेज वर्ड आना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में। अच्छा, देन सैंपल सर्वे में देखो, सर्वे में नॉन सैम्पलिंग तो हमेशा सेंसस मेथड में भी होती है, तो सैंपल सर्वे में तो दोनों टाइप की एरर होती है। ओके, तो सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, सो बोथ आर पॉसिबल। अच्छा, देन पॉपुलेशन ऑफ रोजेस, हम रोज तो इनफाइनाइट होते हैं तो ये है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अच्छा, स्टैटिस्टिकल डिसीजन अबाउट द अननोवन यूनिवर्स यानी पॉपुलेशन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ, अब सीधी बात है कि हम सैंपल के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना जिसको हम बोलते हैं एक्स। ओके, तो एक्स की वैल्यू से ही तो हम सब कैलकुलेशन करते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। रैंडम सैम्पलिंग, अच्छा सीधी बात है कि जहाँ पर हर एक की सेम प्रोबेबिलिटी हो, इक्वल प्रोबेबिलिटी हो सिलेक्ट होने की, इसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, ये रिपीट हुआ है, पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, पॉपुलेशन। ओके, एंड स्टैटिस्टिक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, पैरामीटर हो तो पॉपुलेशन आना चाहिए। तो अब देखो, अ स्टैटिस्टिक इज, तो स्टैटिस्टिक इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, सैंपल ऑब्जर्वेशंस। ओके, सैंपल ऑब्जर्वेशंस यानी एक्स, तो सैंपल से जो हम वैल्यू डिराइव करते हैं इम्पोर्टेंट वो होती है स्टैटिस्टिक। अच्छा, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस मे बी डिस्क्राइब्ड एज, तो सीधी बात है कि जब कोई स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज में वेरिएशन आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। देन हियर वी हैव नेक्स्ट वन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, और वो किसका है, सीधी बात है कि जो सैम्पल से वैल्यू डिराइव हुई है उसका है, और सैंपल से जो वैल्यू हम डिराइव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक। अच्छा, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, तो स्टैंडर्ड एरर होते हैं वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, तो स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक। अच्छा, मेजर ऑफ प्रिसिशन, प्रिसिशन देखो एरर का ऑपोजिट होता है प्रिसिशन, तो जब स्टैंडर्ड एरर आपको पता हो तो आप 100 माइनस स्टैंडर्ड एरर के परसेंटेज करोगे तो आपको एक्यूरेसी के प्रिसिशन के परसेंटेज मिलेंगे। अच्छा, एज द सैम्पल साइज इंक्रीजिस स्टैंडर्ड एरर, देखो जितना सैम्पल साइज बढ़ेगा एक्यूरेसी बढ़ेगी, इसका मतलब ये है कि जो एरर है वो कम होगी। ओके, सो डिक्रीज। अच्छा, देन इफ फ्रॉम ए पॉपुलेशन विथ 25 मेंबर्स अ रेंडम सैंपल विथआउट रिप्लेसमेंट ऑफ टू मेंबर्स इज टेकन, देन द नंबर ऑफ ऑल सच सैंपल्स इज, अब यहाँ पर आप है ना
इसमें सिंपल सम लगाओ, ओके। सो लिसन हियर, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है विथआउट रिप्लेसमेंट, 25 में से दो को लेना है, ओके। तो जब विथआउट रिप्लेसमेंट हो तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो कैपिटल एन सी एन, तो यहाँ पर कैपिटल एन 25 है जिसमें से आपको दो चाहिए, स्मॉल एन वो दो है। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 25 इंटू 24 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये इंटू 12 होगा। तो 25 इंटू 12 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 300 मिलेगा, ओके। तो आई होप ये आपको क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, सो क्वेश्चन नंबर 15th में देखो, 5 मेंबर्स है और यहाँ पर लिखा है और पॉसिबल साइज 2, लेकिन फ़र्क क्या है, हियर इट इज़ रिटन विथ रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट में मैंने आपको फॉर्मूला क्या कहा था, कैपिटल एन के पावर में स्मॉल एन, यहाँ पर 5 के पावर में क्या होगा, स्मॉल एन 2 है, पॉपुलेशन में 5 यानी कैपिटल एन 5 था, तो ये कितना हो जाएगा, 25। सो विच इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन दिल्ली। अच्छा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इफ़। सो रैंडम सैम्पलिंग कब इफ़ेक्टिव होगी, तो समझिए कि जब आपकी जो पॉपुलेशन है ना वो नॉट मच हेट्रोजीनियस, जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस बहुत होती है ना तो ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तभी स्ट्रेटिफाइड यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखिए कि ये जब पॉपुलेशन इज़ नॉट मच हेट्रोजीनियस तब है ना ये रैंडम सैम्पलिंग हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ जहाँ इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है हर ऑब्जर्वेशन की, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिस्टिक। अच्छा, नेमेंट्स अलोकेशन में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, अब देखो हमने बोलिस और नेमेंट्स में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जहाँ पर सैम्पल की साइज़ है वो है प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज़। अब सीधी बात है कि इन दोनों में ही हमने कभी भी क्या है कि सैम्पल प्रोपोर्शनल टू सैम्पल ये वर्ड था ही नहीं, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। इनफैक्ट अगर हम नेमेन की बात करें तो मैंने कहा था कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता इसके कंपेरिजन में, बोली हो तो सिर्फ प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज और नेमेंट्स हो तो प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। अब क्योंकि बाकी के 3 गलत है तो ये गलत तो नहीं है, इसीलिए हम इस ऑप्शन को कंसिडर करेंगे। हाँ, इसके अलावा अगर पूरा ऐसा लिखा होता तो हम इसको मोर अप्रोप्रिएट मानकर उसको सिलेक्ट करते। विच सैम्पलिंग प्रोवाइड सेपरेट एस्टिमेट फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स, सेगमेंट्स का मतलब है स्ट्रेटा, हर ग्रुप का भी एवरेज और ओवरऑल एवरेज भी किस में मिलता है, तो स्ट्रेटिफाइड में मिलता है। कि देन विच सैम्पलिंग एड्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो भी फ्लेक्सिबिलिटी किस में ज़्यादा है, तो याद रखिए जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है उसमें आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देन Which sampling is affected the most if the sampling frame contains undetected periodicity? देखो, अगर कोई डेटा में undetected periodicity हो तो हम क्या है, कोई regular interval में जैसा हम करते थे systematic sampling में, उससे जो result मिलेगा, इससे जो observations मिलेंगे वो proper नहीं होंगे। So अगर डेटा में undetected periodicity है तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यूज़ नहीं होती है, ये उसके ड्रॉबैक में डिस्कस हुआ था। विच सैम्पलिंग इज सब्जेक्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द सैम्पलर, डिस्क्रेशन का मतलब जहाँ उसकी मर्जी, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, उसको मन हो वो सिलेक्ट करे, तो वो आपका होता था
यू नो नॉन प्रोबेबलिस्टिक में, नॉन प्रोबेबलिस्टिक का ही एक और नाम है जजमेंटल या फिर परपसिव सैम्पलिंग, जहाँ प्रोबेबिलिटी का यूज़ नहीं होता, हर एक का इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो डिस्क्रेशन यानी जजमेंटल या परपसिव या नॉन प्रोबेबलिस्टिक सैम्पलिंग। अब यहाँ पर देखिए सैम्पल साइज 2 है, तो छोटा n जो है वो आपके पास है 2, एंड पॉपुलेशन कंटेनिंग 361 तो बड़े में 3 है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है विथ रिप्लेसमेंट, तो मैंने फॉर्मूला दिया था कैपिटल n का पावर स्मॉल n, 3 का पावर 2 यानी 9, तो कितनी आइटम्स होंगी 9, तो ये दो तो गलत है, इन दोनों में 9 है। अब ये 9 कौन से हो सकते हैं अगर 361 है, तो मैंने वहाँ पर लिख कर भी बताया था। ओके अच्छा 361 अपने आप के साथ भी आ सकते हैं, यानी 33 हो सकता है, 66 हो सकता है, 11 हो सकता है। ओके अब इसके अलावा 361 से आप अरेंजमेंट कर दो, तो अरेंजमेंट में क्या होगा, 36 हो सकता है, इसको रिवर्स पे लिख सकते हो, अच्छा देन 3631, सो 31 हो सकता है, 13 हो सकता है, अच्छा 61 यानी 16 भी हो सकता है, तो ये भी और 6 इसमें आ सकते हैं। तो जब आप क्या है ये तीन, ये 6 ऑब्जर्वेशंस देखोगे तो ये किस में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड लास्ट वन के इफ द रेंडम सैंपल ऑफ साइज 2 इज टेकन विथआउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पर वर्ड है विथआउट रिप्लेसमेंट, साइज 2 यानी स्मॉल एंड 2 है, और विथआउट रिप्लेसमेंट में मैंने फॉर्मूला क्या दिया था, NCN, और पॉपुलेशन में ABCD यानी कैपिटल N 4 है, तो आप 4C2 क्या होता है, 4 × 3 / 2 × 1, 2 × 2 यानी 3 × 2 क्या है, 6, तो इसमें कितनी आइटम्स आएगी, 6 आइटम आएगी, तो पहले दो तो गलत है, अब ये कौन सी 6 आएगी, तो जैसे ऑप्शन सी और डी में आप कंपेयर कर लो, ABCD है तो आप है ना ABCD में से कितने 6 सिलेक्ट कर सकते हो, तो हो सकता है AB हो, यहाँ पर AB का रिवर्स नहीं अलाउड है, ये प्योर कॉम्बिनेशन है, तो AB का सिलेक्शन हो या AC का हो या AD का हो। ओके अब B से स्टार्ट करो, तो BC का हो या फिर BD का हो, या आप किससे स्टार्ट करो, C से, तो ये CD का हो। अब ये जहाँ पर है वो सही है, AB AC AD ओके AB मैं चेक करता हूँ इसमें क्या है, AB AC AD BC BD तो यहाँ पर मुझे नहीं मिला, तो AB AC AD BC BD एंड CD यस, तो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट है। ओके इसमें भी देख लेते हैं 3663 ऊपर वाले में 3663 3113 3113 एंड 6116 यस। सो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा, थोड़ा थ्योरेटिकल है बट हाँ समझना इजी है, बट देखिए कोई भी थियरी आपके माइंड में जाएगी तब थोड़ा क्या है आपको डाइजेस्ट करने में सोचना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, फिर आपके पास क्या है एक नॉलेज होता है। ओके तो स्टार्टिंग में जो शॉर्ट टर्म पेन है दैट विल गिव यू लॉन्ग टर्म गेन, सो बी पॉजिटिव। ओके देख लेते हैं हमारे जो आंसर्स है वो परफेक्टली मैच होते हैं कि नहीं, एनीवे वो तो होंगे। चलिए कोई डाउट हो फील फ्री टू आस्क। ओके बाय बाय।